सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो देखो, आप सभी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक कट ऑफ नहीं आया है। आपको ये नहीं पता चला है कि कितने नंबर वालों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में रखा गया है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, या फिर बीएलएलबी हो, बीसीए हो, या फिर कोई इंडियन प्रोफेशनल स्टडीज़ के कोर्स हों, चाहे वो बीसीए हो या फिर आप सभी के बीवीओसी हो। तो आप सभी के कट ऑफ नहीं बताए गए हैं, आप सभी के फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ गए हैं लेकिन कट ऑफ नहीं बताया गया है। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई है एंड क्या कट ऑफ रिलीज किया जाएगा या फिर कट ऑफ नहीं रिलीज किया जाएगा, क्योंकि देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस बार कुछ नया तरीका अपना रही है। तो देखो, इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, कुछ नए तरीके से काउंसलिंग करा रही है। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप सभी के लिए एक कट ऑफ जारी करता था, जैसे कि फर्स्ट कट ऑफ जारी किया, जिसमें आप सभी को बताया कि 635 से अधिक अंक पाए हुए सभी छात्र और छात्राएं काउंसलिंग करा सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी की फर्स्ट कट ऑफ हो गई। इसी तरीके से बीएससी हो जाता था एंड बीसीए एंड बीएएलएलबी, ठीक है। लेकिन इस बार क्या किया गया, इस बार आप सभी का इसमें मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। ये पहली बार हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मेरिट लिस्ट आप सभी के जारी किया गया है। इससे पहले ये प्रक्रिया जो होती थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होती थी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होती थी। तो इस बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी सेम प्रक्रिया हुई है, हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके पहले आप सभी की कट ऑफ नहीं जारी की जाती थी, लेकिन इस बार आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जारी किए गए हैं। प्रत्येक राउंड के बाद आप सभी के दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कट ऑफ जारी किया गया है कि इतने नंबर से ऊपर वालों का इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आया है। हालांकि इसके पहले किसी भी राउंड में कट ऑफ नहीं जारी करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर बार क्या होता था, हर बार कट ऑफ आता था, उसके बाद आप सभी के काउंसलिंग होते थे। लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार इन्होंने मेरिट लिस्ट जारी किया है। अभी तक आप सभी के कट ऑफ नहीं रिलीज किए गए हैं कि कट ऑफ कितनी गई है। तो क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कट ऑफ रिलीज करेगा या फिर नहीं करेगा, उसके बारे में अभी डाउट है। अगर यूनिवर्सिटी कट ऑफ रिलीज करती है तो वो मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो देखो, कुछ कहा नहीं जा सकता है आप सभी के कट ऑफ आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक तो कट ऑफ नहीं आई है। अगर आप सभी के कट ऑफ आते हैं तो हम डेफिनेटली आप सभी को अपडेट कर देंगे, एंड अगर कट ऑफ नहीं आती है तो आप वेट कर लीजिए, हो सकता है सेकंड कट ऑफ में आप सभी के अपडेट किया जाए। अगर फिर भी नहीं आती है तो आप ये मानकर चलिए कि इस बार केवल और केवल मेरिट लिस्ट पे ही आप सभी के काउंसलिंग होंगे, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद ही मेरिट लिस्ट बनाएगा एंड ये नहीं बताएगा कि इतने नंबर के ऊपर वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर काउंसलिंग की गई है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर कट ऑफ आएगी तो अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।